आपने उपचुनाव की बात की, आजमगढ़ में प्रचार करने जाएंगे आप? जी जाऊंगा किसी दिन जी। तो आजमगढ़ में भी कहा जा रहा है बड़ी ट्रायंगुलर फाइट है, तो उसको आजमगढ़ को वो जहां ले जाएंगे जिला अध्यक्ष या कैंडिडेट वहां के जहां ले जाएंगे जी। और एक कार्यकर्ता का यही काम होता है। लेकिन जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हो, जिस कार्यकर्ता से मैं इस वक्त मुखातिब हूं, बातचीत कर रहा हूं, उस कार्यकर्ता ने तो समाजवादी पार्टी को गढ़ा है, उसमें से तो उसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता जी। बस दो तीन लोग ही जिंदा हैं उसको बनाने वालों में, खुद मुलायम सिंह यादव जी और मैं और शायद कोई और हो। आजम खान साहब, जो इस बार के जो नतीजे थे जिसका जिक्र आपने भी किया कि आपको भी लग रहा था कि सरकार बननी चाहिए और इसके लिए कोशिश भी पूरी की, ये कैसे, अगर इतनी बुरी, अच्छा सवाल है आपका, कैसे इतना बड़ा बहुमत लेकर, इतना बड़ा मैंडेट लेकर एक पार्टी आ जाती है और एक तरफ समाजवादी पार्टी, ठीक है इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सीधी लड़ाई थी सपा और बीजेपी की, और तो अगर सर लड़ाई सीधी कहाँ थी जी, लड़ाई में तो बहुजन समाज पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी जी, समाजवादी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, चार पार्टियाँ थी जी। सीधी लड़ाई नहीं थी, सीधी लड़ाई तो अब है रामपुर में जी, चार पार्टियाँ थी, लेकिन नतीजे आने के बाद पता चला कि बस दो ही की लड़ाई थी। लेकिन फ़र्क यह है कि जीतने वालों से पूछता हूँ, भाई तुम जीते कैसे जी, तो कहते हैं यार पता नहीं कैसे जीते। हारने वाले से पूछता हूँ तुम हारे कैसे, तो कहता है ये नहीं मालूम हारा क्यों है। तो क्या आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं जी, मैं तो जो जवाब मिला वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ बिलासपुर की सीट पर जी 12 बजे के बाद अनाउंसमेंट रोक दिया गया और दो ही जगह पर मुरादाबाद कमिश्नर साहब तशरीफ ले गए जी, एक बिलासपुर और दूसरा शाहबाद जी, वो दोनों सीटें हार गई, एक 100 कुछ वोट से, एक ज़्यादा वोट से। तो मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा आपसे, या इससे ज़्यादा भी जानना चाहते हैं? बाहुबली हूँ मैं, माफिया हूँ मैं, क्रिमिनल हूँ मैं, अपराधी हूँ मैं। मेरे ऊपर तो 323 का मुकदमा भी कभी नहीं लिखा गया, लेकिन 2 महीने में वीरप्पन से भी ज़्यादा मुकदमे हो गए मेरे ऊपर। अब कुल कितने मुकदमे आजम खान साहब? गिनती नहीं है, पूरे परिवार को मिलाऊँ तो कई सौ हैं, अगर जो परिवार मेरा है रामपुर का परिवार उसे मिलाऊं तो कई हजार मुकदमे हैं। मुकदमे करने वालों का बड़ा दिल है एक छोटे से आदमी पर। मैं जो बीजेपी के प्रत्याशी थे यहाँ पर उनसे भी मिला इस बार जब चुनाव में यहाँ पर आया, तो उन्होंने कहा कोई कोई और सवाल कर लीजिए जी, ना घटिया शख्स के बारे में मैं जवाब, ठीक है मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात, बीजेपी की बात, दूसरा सवाल हां बीजेपी की बात करें, बीजेपी वाले एक बात कहते थे अक्सर, कहते भी थे कि भाषणों में भी कहते थे, आपने भी सुना होगा कि जब इनकी सत्ता थी तो ये लोग भी सत्ता का दुरुपयोग करते थे। कोई बीजेपी वाले नहीं कह सकते जी, सिर्फ एक गंदे व्यक्ति के अलावा जी। मुझे इतना समय ही नहीं था, कोई एक भाई बहन बीजेपी का मेरे यहाँ मेरे खिलाफ ना बयान दे सकते हैं ना उनकी कोई शिकायत है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हाँ नवाब परिवार से ज़रूर मेरा नज़रियाती इख्तलाफ रहा है उनके जुल्म की वजह से जी, बाकी मैं सताने की ताकत ही नहीं रखता था, मैं तो लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत की ताकत रखता था। मैं तो ऐसे लोग जिनके करीब से भी आप नहीं गुजर सकते, इतनी बदबू पसीने की आती हो और इतने गंदे आपके कपड़े लगते हों, उन्हें सीने से चिपटा कर रखता था। इसलिए मैं 40, 42, 43 साल से यहाँ सियासत कर रहा हूँ और कामयाब सियासत कर रहा हूँ। आजम खान साहब, जब से जौहर विश्वविद्यालय, मेरी किसी भाजपा के यहाँ वर्कर से ना कोई झगड़ा ना लड़ाई ना मुझे कोई शिकायत है जी, लेकिन जब से आपने जौहर विश्वविद्यालय का सपना देखा और उसको हकीकत में भी तब्दील किया, ऐसा भी नहीं है दिखता है, तो उस गुनाह की सजा। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि बीएसपी की सरकार थी उस वक्त भी बुलडोजर पहुंचा था यहाँ पर, मुझे चला भी था, दीवारें कुछ तोड़ी गई थी जी, मगर बस उसी हद तक रहा उनका,
कोई मुकदमा हम पे झूठा कायम नहीं हुआ, और पता चला ये पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा सुलूक हुआ हो। हाँ, मार देना था, मैंने कहा था कि उससे तो अच्छा है मुझे, जिस तरह आपने मुन्ना बजरंगी को अंदर मार दिया उसी तरह हमें भी मार दीजिए। आपने कभी या भी करेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री से, बात करेंगे इस विषय में या और किसी से बात करेंगे? डर लगता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझसे तो कोई भी मिलने आ सकता है, मैं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहीं उनकी शान में गुस्ताखी हो गई तो क्या होगा? आप बचाने आएंगे? आप बचा लेंगे मुझे? प्रदेश के मुखिया से तो बात की जा सकती है कि इस तरह से गैर वाजिब मुकदमे अगर प्रशासन और शासन के लोग मिलकर अगर दर्ज कर रहे हैं। कोशिश करूंगा, हिम्मत करूंगा, कहीं ऐसा ना हो मिलने का एक मुकदमा और कायम हो जाए, उसमें तो जमानत भी मुश्किल हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।